हमारे चैनल पे इसका नाम है जानकारी मैटर्स। यहाँ पे स्कूल टीचर को डायरी मिलेगी, ये तो मैंने पहले ही वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो अब उस डायरी में क्या करना है, क्या कुछ लिखना है, वो सब चलिए हम लोग पढ़ते हैं। स्कूलों में अब टीचर डायरी से की जाएगी शिक्षकों की निगरानी। भागलपुर से ये अपडेट आ रही है। जिले के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के दैनिक कार्य की निगरानी अब टीचर डायरी के माध्यम से की जाएगी। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद SERT निर्देश जारी किया है। सूबे के 534 प्रखंडों में कार्यरत शिक्षकों को टीचर डायरी उपलब्ध कराई जाएगी। यह टीचर डायरी सभी वर्ग के शिक्षकों को प्रदान की जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के कार्यक्रम पदाधिकारी रंजन सिंह ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी SSA को पत्र लिखा है। SERT ने 5 अप्रैल तक सूबे के सभी 38 जिलों में प्रखंडवार अलग अलग कक्षाओं में कार्यरत शिक्षकों की संख्या उपलब्ध कराने को कहा गया था। भागलपुर जिले में कार्यरत सभी वर्ग के कुल 15,269 शिक्षकों की सूची SERT को भेजी गई है। SERT की ओर से जारी पत्र के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों के लिए बिहार राज्य पाठ पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड की ओर से टीचर डायरी की आपूर्ति की जाएगी। विभागीय निर्देश के अनुसार इस टीचर डायरी में शिक्षकों को रोजाना अपना शैक्षणिक कार्य व अन्य गतिविधियों का ब्यौरा भरना होगा। साथ ही उन्होंने स्कूल की किस कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाया है और छात्रों को क्या टास्क दिए, इसकी जानकारी भी तिथिवार उपलब्ध करानी होगी। इतना ही नहीं, शिक्षकों ने शैक्षणिक कार्यों के अलावा स्कूल में अन्य किन किन गतिविधियों का संचालन किया और किन गतिविधियों में शामिल हुए और स्कूल हित में क्या क्या योजना बनाई, इसका ब्यौरा भी भरना होगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के कार्यक्रम पदाधिकारी रंजन सिंह ने कहा है कि सूबे के सभी जिलों से भेजी गई प्रखंडवार कार्यरत शिक्षकों के आंकड़े के अनुसार टीचर डायरी उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड यह डायरी सीधे सभी प्रखंड मुख्यालयों में ही उपलब्ध कराएगा। यहाँ पे देखिए DEO भागलपुर सर का क्या कहना है, पहली से लेकर 12वीं तक के कक्षा तक के शिक्षकों को टीचर डायरी उपलब्ध कराए जाने की योजना है। शिक्षकों को इस डायरी में शैक्षणिक गतिविधियों समेत अन्य का ब्यौरा रोजाना भरना होगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं कुल जो है वो 15,269 भागलपुर में टीचर है जो काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कहलगांव में है 1,719 और इसमें पूरा दिया हुआ है 9वीं से 10वीं में कितने टीचर हैं, 11, 12 में, 1-5 में, तो ये फुल डिटेल दिया हुआ है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।